चिंटू मुझे पागल बोल रहा है? नहीं मम्मी, मैं तो उस आदमी को बोल रहा हूँ, रोड पे अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अजीब हरकतें? अब क्या बजे है चिंटू? शाम के 7 बजे। क्यों, कहीं वो तुम्हारे डैडी तो नहीं? अरे मम्मी, डैडी तो सिर्फ घर पर अजीब हरकतें कर रहे हैं, वो तो रोड पर कर रहा है। ए चिंटू, आजकल बहुत बोलने लगा है तू, चल जा भाग जा। अरे कोकी, चिंटू को बाहर मत भेजना। क्यों? वो बद्री नारायण पत्थर मार रहा है। बद्री नारायण? ये अपने सामने वाले बद्री जी? हाँ वही, वो पागल हो गया। लेकिन क्यों? वो हुआ ऐसे कि उसकी बीवी कुछ दिनों पहले अचानक गुजर गई और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अरे रे बेचारा। लेकिन वो तो हमेशा अपनी बीवी से लड़ता रहता था। अरे मर्दों की यही तो खूबी होती है। क्या? जिंदगी भर बीवी से लड़ते रहते हैं और उसके मर जाने के बाद उसके गम में पागल हो जाते हैं। हाँ गंगा मौसी, ये गंगा मौसी, कल वो पागल यहाँ तो नहीं आ रहा है? केशु, क्या हुआ केशु? अरे पागल ने, साले ने मुझे पत्थर मारा कोकी। जरूर वो बद्री नारायण होगा। बद्री? अच्छा वो बद्री है? साला बद्री का बच्चा, मैंने भी फिर उसको एक पत्थर मारा। अब तो मोहल्ले में दो दो पागल हो गए। जानते हैं केशु जी, वो पागल क्यों हो गया? उसकी बीवी मायके से वापस आ गई होगी। अरे नहीं नहीं, उसकी बीवी अचानक गुजर गई। क्या? हाँ। पागल कहीं का। केशु, कल अगर मैं मर गई तो तुम भी मेरे लिए ऐसे ही पागल बन जाओगे? नेचुरली डार्लिंग, मैं भी पागल हो जाऊंगा, लेकिन मारे खुशी के। केशु, ए, मारना नहीं वरना मोहल्ले में 3 पागल हो जाएंगे। कोकी, अरे ये क्या, आज यहाँ कोई बीच में सोने वाला है क्या? मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। अरे डार्लिंग, मुंह नहीं देखना चाहती हो तो बत्तियां बुझा दो, तुम फेर क्यों लेती हो? तुम चुप रहो। सुबह गंगा मौसी के सामने क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? कि अगर मैं मर गई तो तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। अरे डार्लिंग, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मजाक मजाक में कह दिया। झूठ नहीं, सच कह रहा हूँ। अभी तुम ही बताओ, गंगा मौसी के सामने मैं ऐसा कहता कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ। जाओ जाओ। नहीं मैं सच कह रहा हूँ डार्लिंग। अच्छा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा एक काम करो कोकी, तुम मर के दिखाओ। ओके। केशु। हेलो प्रेमा आंटी। ओ चिंटू, गुड मॉर्निंग। गुड बाय। क्यों, तुम कहीं पिकनिक पर जा रहे हो? नहीं, हम लोग तीरथ यात्रा पर जा रहे हैं। नहीं चिंटू, कुछ मैं नहीं जा रहा हूँ प्रेमा जी, मैं तो यही रहूंगा अकेला। अच्छा, ये सब जा रहे हैं। कोकी, कोकी जल्दी चलो, गाड़ी का समय हो गया है। हाँ, आ रही हूँ गंगा मौसी। चलो केशु को बुलाती हूँ। हाँ। केशु। एक्सक्यूज मी। आया केशु, इसी तरह बालकनी में से झांकते रहोगे ना तो एक दिन नीचे गिर जाओगे। अब बस भी करो, हम लोग निकल रहे हैं। आया 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 डार्लिंग। क्या कोकी, तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या जल्दी थी? वैसे बुढ़ापे में मैं खुद तुम्हें ले जाता। मैं आऊंगी ना अगले साल तुम्हारे साथ। क्यों, अगले साल तुम बूढ़ी हो जाओगी? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। वैसे गंगा मौसी, तुम सब जा कहाँ रहे हो? हम लोग हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जा रहे हैं, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर? ए कोकी, शिव जी के पास मेरे लिए क्या मांगोगी? थोड़ी सी अकल। चलो चलो कोकी, देर हो रही है, चलो चलो। सबका ख्याल रखना गंगा मौसी। फिकर मत करो, मेरी भांजी भी तो है साथ में। अच्छा भांजी है? हाँ, कल ही गांव से आई है। ओके, हम ओके। दोनों मिलकर कोकी और चिंटू का पूरा ख्याल रखेंगे। ओके, हाँ? निकलते हैं। चिंटू बेटा चलो। चलो चिंटू। बाय डैडी। बाय बाय बेटे। चलो चलो केशव, मैं चलती हूँ। ओके, पड़ोसियों का ख्याल तो तुम रखोगे ही, साथ में अपना भी रखना। वैसे कोकी जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। सच कह रहे हो? हाँ। ठीक है तो मैं नहीं जाती। अरे क्या पागलों जैसी बातें करती हो, थोड़े दिन निकल जाएंगे, जाओ बाय। अरे कोकी जी, आप कहाँ जा रही हैं? नो, जाने से पहले ही अपशगुन हो गया। दिलरुबा जी, हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। लेकिन आप वापस लौटते कब आएंगी? शायद कभी नहीं। अच्छा वेरी गुड, मुझे वहाँ का एड्रेस दे दीजिए। क्यों, आप आएंगे वहाँ? मैं तो स्वर्ग जा रही हूँ, आएंगे वहाँ? तो उनको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी।
अच्छा चलो मैं निकलती हूँ, केशव मुझे याद करते रहना। मैं याद करूंगा ना, मेरा जवाब ये दे रहे। अच्छा चलो बाय बाय केशव। अबे क्या बाय बाय कर रही हो, निकलो ना अभी, इतनी देर लगाओ तो वापिस आने का समय हो जाएगा। चलो क्या कर रहे हो दिलरुबा जी, अरे बैग उठा। अरे क्यों, कोई बात नहीं, इट्स माय प्लेजर। संभाल के संभाल के संभाल के माय प्लेजर। संभालो संभालो संभालो। बाय बाय। मुझे लगता है ये गिरेगा। गिरा। गोखले अपने कुलकर्णी इतने खुश क्यों है? उनकी बीवी बाहर गाँव गई है। गोखले एक बात तो बता, बीवी मैके जाने से तुम मर्दों को इतनी खुशी क्यों होती है? पहले ये बताओ, मैके जाते वक्त तुम औरतों को इतनी खुशी क्यों होती है? हमको तो ऐसे लगता है मानो जेल से छुटकारा मिल गया हो। बस तो फिर मर्दों को लगता है कि मानो जेलर से छुटकारा मिल गया। हेलो हेलो केशु जी, मैं गंगा बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो गंगा। आप लोग वापस आ गए क्या? केशु जी ये मजाक करने का वक्त नहीं है, बहुत बुरी खबर है, हमारी कोकी। क्या कोकी वापस आ गई? नहीं नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वेरी गुड। व्हाट, चली गई मेरी माँ, मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अरे मेरा नाम, मेरा बच्चा, मेरा छोटा बाबा, मेरा उधर बैठ कर रो, अबे मोटे उधर बैठ कर रो, तेरा डैडी आएंगे तो उनके साथ रोना। चिंटू डैडी डैडी। अरे यार क्या कर रहा है डैडी, ऐसे तो मैं भी मर जाऊंगा। अरे तू डैडी डैडी क्यों बोल रहा है, मैं तेरा बाप हूँ क्या? तू क्यों रो रहा है? बीबी किसकी गई, मेरी या तुम्हारी? चुप चुप, चुप हो जा। गंगा मौसी, गंगा मौसी, चुप हो जा, चुप चुप। गंगा मौसी आप मजाक कर रही है, कोकी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो यही कहीं छुपी होगी। कोकी कोकी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, देखो ज्यादा मजाक अच्छा नहीं, बाहर आ जाओ। अरे कोकिला अभी तो तुम्हें बहुत सारे गहने खरीदने हैं, बाहर आ जाओ। गंगा मौसी कोकी गहनों का नाम सुनकर भी बाहर नहीं आई, यानी कि कंफर्म। अरे चुप हो जा, मेरी मेरी गई है, तेरी नहीं गई है, चुप हो जा। हाँ केशव, कोकी हम सब को छोड़ कर। ये सब कैसे हो गया? हम सब लोग बर्फीली चोटी पर गए थे, वहां से वो नीचे देखने गए गए, लेकिन कोकी की लाश कहीं पता नहीं चला। हम सब लोगों ने उसे बहुत तलाश किया, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गंगा मौसी, कोकी की लाश को जानवर खा गए होंगे। चुप हो जा, बीवी मेरी गई है। केशव जी ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्रेमा जी, प्रेमा जी, केशव जी, प्रेमा जी, ये सब क्या, ये सब कैसे हो गया? प्रेमा जी शांत हो जाइए केशव जी। अब ये मेरे प्यारे से चिंटू को दूसरी कोकी कहाँ से लाके दूंगा? तेरी पत्नी गई तो मेरी बीवी के साथ लिपट के क्यों रो रहा है? छोड़ ना। पता नहीं कुलकर्णी जी पर क्या बीत रही होगी। So sad. सुना है कुलकर्णी की बीवी स्वभाव की बड़ी अच्छी थी। तारो रे बिंदिया, गुड मॉर्निंग। गोखले सर, क्या बात है, सब लोग खामोश क्यों हैं भाई, आज तो पगार का दिन है। बात यह है सर कि अपने केशव कुलकर्णी की बीवी स्टॉप इट, ये ऑफिस है, यहाँ पर इस तरह फूट फूट के तबीयत उड़ा जाता है जब नौकरी चली जाती है। गोखले आज स्टाफ की तरफ से हम दोनों शाम को केशव को विश करने जाएं। विश करने नहीं सर, मिलने जाएंगे।
जाएगी? कोकिला तुम मुझे छोड़कर कहाँ चलेंगे? डैडी डैडी गंगा मौसी आ रही है। केशव केशव गंगा मौसी गंगा मौसी मेरी खोकी कहाँ चली गई? केशव याद है गंगा मौसी एक बार खोकी ने मुझे सवाल पूछा था केशव अगर मैं मर गई तो क्या तुम पागल हो जाओगे? हाँ केशव और तुमने क्या जवाब दिया था वो भी मुझे याद है। मैं पागल क्यों नहीं हो जाता? मैं पागल क्यों नहीं हो जाता? मैं पागल क्यों नहीं हो जाता? मुझे पागल होना है। केशव शांत हो जाओ। मैं जी नहीं सकता। शांत हो जाओ केशव। देखो ये मेरी भांजी है थोड़े दिनों के लिए ये यहाँ रहेगी। क्या इसकी देखभाल के लिए? हाँ, और तुम्हारे लिए भी खाना वीना बनाएगी। अच्छा हाँ। क्या नाम है इसका? गौरी अपना नाम बता। मुझे मुझे शर्म आती है। नाम बताने में क्या शर्माना, अपना नाम बताओ गौरी। शर्म आती है कहा ना? इसकी शादी हो गई गंगा मौसी? मैं कुंवारी हूँ बाबूजी। कुंवारी हो तो फिर ये घूंघट क्यों नहीं हटाती? हमारे यहाँ शादी के पहले घूंघट नहीं हटाते। गंगा मौसी मुझे नौकरानी नहीं चाहिए। ये नौकरानी नहीं है तो अपना घर समझ के रहेगी। अच्छा हाँ और वैसे भी यात्रा के दौरान चिंटू को उसकी आदत सी हो गई थी। अच्छा हाँ डैडी और मम्मी ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन्हें अपनी मम्मी समझ लेना। अच्छा प्रेमा जी भी यहीं रहती है ना? हाँ सर। तो पहले उनके यहाँ चले, बेचारी बहुत दुखी होंगी ना। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैंने गलत कहा? बिल्कुल गलत। क्या है मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना किसी के यहाँ जाने का ऐसे मौके पर। वैसे केशव का भी है पहला ही एक्सपीरियंस है। क्या पता बुकले एक्सक्यूज मी बुके लाना तो भूल ही गए। सर ये बुके देने का मौका नहीं है। मूड बनाओ। ओके क्या करे केशव जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। केशव बहुत दुख हुआ सुनकर। मिसेज कुलकर्णी तो बहुत बढ़िया महिला थी। क्यों गोखले? करेक्ट सर। हाँ मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है। लगता है कोकी भाभी किसी भी वक्त किचन से बाहर आएगी। बाहर कैसे आएगी? तो भी कुछ भी बोलता रहता है। क्या है ऊपर? ये कौन है? सर अभी तक वो डिसाइड नहीं किया। नहीं मतलब वो हमारी पड़ोसन है सर। You mean to say प्रेमा जी? नहीं 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 वो हमारी गंगा मौसी जो है ना उनकी भतीजी है सर। केशव एक्सक्यूज मी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। बेचारी तीर्थ यात्रा पर गई थी, पहाड़ की बर्फीली चोटी पर चढ़कर नीचे कुछ देखने गई। केशव तुम थर्ड क्लास आदमी हो, कभी नहीं सुधरोगे। क्यों क्या हुआ सर? अरे क्या जरूरत थी पगले अपनी बीबी को अकेले बर्फीली चोटी पर भेजने की? यू नो आइस इज वेरी डेंजरस। इसी डर से मैं अपनी पत्नी को आइसक्रीम तक नहीं खिलाता हूँ। ऐसी पत्नी क्या बार बार मिलती है? क्यों गोखले? यू आर राइट सर। एंड ऐसी गलती मत करना समझे। चलो गोखले। एक्सक्यूज मी केशव वो बर्फीली चोटी है कहाँ? वो सर वो हिमाचल प्रदेश में कहीं है सर। ठीक से पता करो और मुझे बताओ। क्यों सर? क्योंकि मुझे भी अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा पर भेजना है। नौकरानी कैसी है? पता नहीं हमेशा घूंघट में रहती है। लेकिन तुमने उसका चेहरा तो देखा होगा। अरे कहा तो सही हमेशा घूंघट में रहती है। तो ये कोकी भाभी तो नहीं?
क्यों हाथ लगाया बाबूजी? अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐसे भी तो कहां मुंह दिखाती है? मैं गंगा मौसी से जाकर कहती हूँ, ज्यादा शोर किया तो जिंदगी भर के लिए कंवारी रह जाओगी। सो जा, सो जा, सो जा। कोकी, कोकी जरा चाय। ओ, मैं तो भूल ही गया कि कोकी अब है ही नहीं। कोकिला, कोकिला, अब तुम्हारे बगैर सुबह सुबह मुझे चाय कौन पिलाएगा? चाय बाबूजी? ओ, मैं तो भूल ही गया कि कोकी का एक सब्स्टिट्यूट भी आ गया है। कैसी है चाय बाबूजी? रेलवे स्टेशन पर इससे अच्छी मिलती है। बाबूजी, कल रात आपने मेरे घूंघट को क्यों छुआ था? वो क्या था कि तुम्हारे घूंघट पर एक कॉकरोच बैठा था। यस। अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हा? मैंने कहा आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरे वाह, मुझे ये पता होता तो घूंघट को हाथ लगाने के बजाय तुम्हारे मुंह पे कॉकरोच की दवाई डालता। क्यों? मैं इतनी बुरी हूँ? अब मुझे क्या पता, मुझे तो ये भी पता नहीं कि तुम गंगा मौसी की भांजी हो या भांजा हो। तो शादी के बाद अपने आप पता चलेगा ना। क्या? लेकिन मुझे नहीं करनी है शादी। क्यों क्यों क्यों? अरे क्या, कोकी को कितना बुरा लगेगा? वो तो गई गई गई। हाँ, कोकी गई, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारी तरह मुझे आस पास घूम रही है, उसका क्या। हाँ, ये लो, जाओ जाओ, मुझे दो तीन इम्पोर्टेंट फोन करने हैं। पुष्पा, मेरी जान, मेरी जान प्यारी पुष्पा, कब मिल रही हो? आज कितने बजे? 9 बजे? क्या कर रही हो? मैं साफ कर रही हूँ। चल जाओ अंदर। नहीं डाली, वो जरा मेरी नौकरानी थी। 9 बजे कहाँ मिलेंगे पुष्पा? गार्डन में, पास वाले। ओके, डन डार्लिंग, डन। ला 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 ला, चंचल चंचल मेरी प्यारी चंचल, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए चंचल, कहाँ मिलेंगे हम? 9 बजे? नो डार्लिंग, 9 बजे मैं जरा बिजी हूँ, 12 बजे मिलते हैं। कहाँ? होटल मौज मस्ती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ मौज मस्ती करेंगे। क्या कर रही हो? इडियट, मक्खी मक्खी बैठी। ला 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 ला, चमेली चमेली चमेली, क्या कर रही हो? अरे मेरी नौकरानी चमेली, कैसी हो जान? अरे कब मिल रही हो चमेली? आज? कब? कहाँ? मेरे घर पर। हाँ, आ जाओ रात को आ जाओ, और यही सोना चमेली। ओके बाय। सुनो ये नौकरानी, आज रात को मेहमान आने वाला है, घर को ठीक कर लेना, समझी? हाँ, मैं इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। ओके। अरे कैसी हो गंगा? मौसी अच्छी हो? कोकी, गंगा मौसी। क्या हुआ? गंगा मौसी, फिर से मुझे कभी ऐसी नसीहत नहीं देना। क्या हुआ लेकिन? अरे तुम्ही ने तो कहा था ना कि पति का प्यार देखना तो एक बार मर के देखना। हाँ हाँ बिल्कुल कहा था, तुमने मुझे मरवा दिया। अरे हुआ क्या लेकिन? गंगा मौसी, पति का प्यार देखने का मौका आज मुझे 3-3 बार मिलने वाला है। प्यारी पुष्पा, प्यारे केशव, प्यारी पुष्पा, प्यारे केशव, I love you प्यारी पुष्पा, I love you प्यारे केशव। ये देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? अंगूठी। डार्लिंग इसे अंगूठी नहीं कहते, अरे ये तो एंगेजमेंट रिंग है। लेकिन ये तो ढीली है। हाँ तो ढीली तो होगी ही, कोकी की जो है। गई गई, मेरी अंगूठी भी गई। लगता है कोकी केशु तुम्हारे गम में पागल हो गया है। पागल वो नहीं, मैं हो रही हूँ गंगा मौसी। छोड़ो ना, चलो घर चलते हैं। घर नहीं घर नहीं, अब जाएंगे होटल मौज मस्ती, पति का प्यार नंबर 2 देखने के लिए। चलो। डार्लिंग चंचल, डार्लिंग केशव, डार्लिंग चंचल, डार्लिंग केशव, बताओ डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या लाया हूँ? सोने के ये प्यारे प्यारे कंगन। वाह। ये कंगन मेरी माँ के और उसके बाद
मेरे बच्चे की माँ की आखिरी निशानी है। क्या इसके लिए मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना होगा? चिंटू भी तो तुम्हारा बच्चा ही है। क्या मतलब? हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सब झंझट मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हम चिंटू को कहीं दूर दूर बोर्डिंग में भेज देंगे। ओके, अब खुश? लाओ चंचल, मैं तुम्हें अपने हाथों से ये प्यारे प्यारे कंगन पहनाता हूँ। गए मेरे कंगन, गए गंगा मौसी। तुम्हारी ये तीर्थ यात्रा मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। तीसरी लड़की कहाँ आ रही है? मेरे घर। चमेली, प्यारी चमेली, आओ आओ आओ, बैठो 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 डार्लिंग, बैठो। तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर है। और चमेली जान, कल से ये घर तुम्हारा हो जाएगा। वो कैसे? अरे वाह, क्या कैसे? कल मैं तुमसे शादी जो करूंगा, ये देखो डार्लिंग, क्या है ये? वाह, मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र कोकी का है। लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता हूँ। केशु, पकड़ लिया? हाँ, कोकी की बच्ची, बताओ अब जाओगी तीर्थ यात्रा पर? सॉरी, कभी नहीं। And that man told the police that I am not going to leave this man till you give me some compensation because he is under my grasp. दिल, ये तुम क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? क्यों, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता? नहीं, लेकिन पहली बार देख रहे हो तुम अखबार पढ़ते हुए। हाँ तो पहली बार पढ़ रहा हूँ ना। हाँ, वो तो देख रही हूँ। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग ताजा खबर पढ़ के सुनाओ मुझे। है ना, एक बहुत बड़ी हस्ती को कुछ आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। वो तो बासी खबर है, आतंकवादी तो रोज किसी न किसी को किडनैप करते हैं। हाँ, अगर कोई आतंकवादी किसी को छोड़ दे वो ताजा खबर होती है। अच्छा, ऐसी पूछ रहा हूँ, बताओ अगर मुझे कोई किडनैप कर ले तो तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? मैं केको जी के घर रहने लग जाऊंगी। क्यों? कोकी जी से कुकिंग सीखनी है। तो मजाक मत करो, सीरियसली बताओ ना, अगर मुझे कोई किडनैप कर ले तो तुम क्या करोगी? बोलो ना। दिल, तुम्हें कौन बेवकूफ किडनैप करेगा? किडनैप तो सिर्फ बड़ी हस्तियां होती हैं, और तुम तो पर जाने दो। दिल सुनो, चक्रवर्ती राजा के सेट पर आ जाओ और उनसे कह दो मैं शूटिंग नहीं कर सकती। ऐसी वाली? सर मैं यही हूँ। कहाँ है प्रिया जी? सर वो आती होगी ना। अरे क्या आती होगी? सर उसके आने से भी क्या फायदा? क्यों? जब तक ये पुलिस वो काले कवे को नहीं पकड़े शूटिंग नहीं शुरू होने वाली। सर आप रिलैक्स कीजिए ना, तीन चार घंटे। अरे प्रेमा जी को तैयार होने में भी 3-4 घंटे लगते हैं। सर वो आ जाएगी, रिलैक्स। सर सर मैं चाय मंगवा। अरे वाह, नाइस ड्रेस, हां वेरी गुड। धक्का क्यों मार रहा है वे? जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे प्रेमा शालिनी का गेस्ट हूँ। अच्छा ये बात है। देख बेटे, तेरे को इस फिल्म से निकालता हूँ। देख मेरे को धक्का मारता है। यार कमाल, कैमरा गिराएगा। दिखता है ये जूनियर आर्टिस्ट को बात करने की तमीज नहीं है। ये जूनियर आर्टिस्ट नहीं है तो कौन है? ये इंस्पेक्टर है, सच्चा इंस्पेक्टर। दादा सॉरी दादा, लेकिन ये सच्चा इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, स्टूडियो के अंदर एक काला कौवा नाम का गुंडा है ना, घुस गया है, उसको पकड़ने के लिए आए हैं। ओ अच्छा अच्छा। एनीवे सर, प्रेमा जी आ गई क्या? तुमको क्या है? नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ, आ गई? नहीं आई अभी। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूँ, शूटिंग है इधर। कीजिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम कंफर्टेबल सर। भाई साहब, आप यहाँ 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। शेरकोट। यस बॉस। यही है ना वो? हाँ यही है वो, प्रेमा शालिनी का हस्बैंड। कितने का आसामी होगा? कम से कम 20 लाख का तो होगा बॉस। उसका गेम कर डाले बॉस की बोले बंदूक की गोली। आपकी फ्रेम वेम सब ठीक है सर? ठीक है सर। अरे दिल को बाजी, आप अकेले आए, प्रेमा जी कहाँ हैं? प्रेमा जी आज नहीं आ पाएंगी। चिंकट। यस बॉस। चल उस टैक्सी वाले के कपड़े उतार दे। ओके बॉस।
लेकिन आपका शॉट क्या है? शॉट ये है कि मैं प्रेमा जी को कैच करता हूँ। तो कैच करता हूँ तो उसको पेनिंग में लेके आता हूँ, 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 लेके आता हूँ और छोड़ देता हूँ। मैं विक पहन दूँ? मजाक करते हैं आप। तो आप एक काम करो ना, आज आप लॉन्ग शॉट ले लो, कल आप मिड ले लेना और परसों क्लोज। अरे वेरी गुड आइडिया। लेकिन प्रेमा जी आनी चाहिए थी ना। डायरेक्टर कौन है? वो है तू है। चलो अभी ड्राइवर घर ले लो। कौन हो तुम? बॉस को नहीं पहचाना? नहीं। इसे काला कौवा कहते हैं, ब्लैक क्रो, और मैं हूँ चिरकोट। और सुन, जरा मुझे भी बोलने दो, चुपचाप हमारे साथ चलो। बचाओ, बचाओ! साहब, आपके पास वो मोटा साहब आया था ना? हाँ। उसको दो घंटे उठा कर ले गए, मेरी टैक्सी भी ले गए, कपड़े भी ले गए साहब। चोर, चोर, चोर। यानी कि दिलरुबा के बच्चे को काला कौवा उठा के ले गया? क्या बात है, गुड न्यूज। हिलना नहीं, आवाज नहीं करना। अरे सलाम करो यार, तुम यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। बैठो इसे इधर, बैठो इधर। रस्सी ले आओ। यस बॉस। रस्सी खाने के लिए? तुम्हें बांधने के लिए। अरे बांधने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगा? हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है, आप देखते नहीं हिंदी फिल्में? क्या आपको तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चुप बैठो, चुप बैठो, बातचीत बंद, मुंह बंद रखो। मुंह कैसे बंद रखूं? अभी तो मेरा खाने पीने का टाइम हो गया ना। खाने पीने का टाइम मतलब? अरे अरे आप मेरे स्पॉन्सर हैं। स्पॉन्सर? यानी कि आपने मुझे किडनैप किया है तो आप ही खिलाएंगे ना? अच्छा ओके ठीक है, क्या खाओगे बोलो? एनीथिंग लाइट। अच्छा ठीक है, इसके लिए तो पापड़ ले आओ। इतना लाइट नहीं, थोड़ा हैवी, सैंडविच, समोसे, पकौड़े, बिरयानी। बस बस बस, हैवी होता जा रहा है, बहुत हैवी होता जा रहा है। इसके लिए दो सैंडविच और पैटीज ले आओ। बॉस पैसे दो। हेलो, क्या प्रेमा शालिनी जी बात कर रही हैं? आप मेरी आवाज नहीं पहचानते क्या? नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? जी मैं एक बहुत बड़ा बदमाश काला कौवा बोल रहा हूँ, ब्लैक क्रो। ब्लैक क्रो, मिस्टर ब्लैक क्रो, फिर आप बोल कैसे सकते हैं? आपको तो काँव काँव करनी चाहिए। देखिए मजाक बंद कीजिए, आपके पति हमारे कब्जे में है। अच्छा? हाँ, हमने उसे किडनैप किया है। वेरी अच्छा, थैंक यू सो मच मिस्टर ब्लैक क्रो, वरना मैं अपने किसी फ्रेंड से बोलने वाली थी कि उसे किडनैप कर ले, कर ले। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप उसे बात कर लीजिए। इधर आ रहे। हेलो, होल्ड कीजिए, लाइन काटना मत। बात करो। हेलो। हाय दिल, हाउ आर यू? मैं यहाँ काफी मजे में हूँ। यकीन आया? अब कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपको अपने पति को जिंदा देखना है तो कल शाम तक यहाँ पर 20 लाख रुपए ले आइए। 20 लाख? क्या कर रहे हो यार? होल्ड ऑन, मेरी कीमत खाली 20 लाख रुपए लगा रहे हो तुम? हेलो, 25 लाख रुपए ले आइए। 25 लाख? एक मिनट, कम से कम राउंड फिगर तो करो, 50 लाख। हेलो, 50 लाख रुपए ले आइए यहाँ पर, वरना हम आपके पति को जान से मार डालेंगे। वेट मिस्टर ब्लैक क्रो, उसे गन से शूट कीजिएगा प्लीज, आपको इतना लंबा चाकू नहीं मिलेगा जो उसके मोटे पेट में चले जाए। हेलो, उन्होंने लाइन काट दी, कमाल है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान के बिल्कुल परवाह नहीं करती। नहीं नहीं, परवाह तो बहुत करती, शी लव्स मी, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे फिर तुमने अपनी प्राइस 50 लाख तक बढ़ा के क्यों रखी? अरे कमाल कर रहे हो, अगर मेरी प्राइस मैं खुद नहीं बढ़ाऊंगा तो और कौन बढ़ाएगा? फिल्म लाइन में ऐसा ही होता है। सलाम नहीं करोगे ना? मत करो, कोई सिस्टम ही नहीं इन लोगों की। उठो, अबे उठो। क्या है, सोने दो ना मुझे। अरे यहाँ परेशान मैं घूम रहा हूँ, तुम सो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? क्या किया उसने? मुझे नहीं लगता वो 50 लाख रुपए लेकर आएगी,
तुमने फोन पे कह दिया ना कि मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, वेरी कंफर्टेबल डॉल। तो जो भी होगा सुबह देखेंगे। क्या सुबह देखेंगे? देखो वो तभी आएगी जब तुम उसे कहोगे कि हम तुम्हें मार रहे हैं, हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, हम परेशान कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। ऐसा उसे कहो कि मैं परेशान हूँ। तुम्हें 25 लाख रुपए चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। क्या नंबर क्या है मेरा? एक मिनट। अच्छा क्या याद आ गया? देव फोन उठाओ ना। देव फोन उठ। हेलो। डॉल, मैं बोल रहा हूँ दिल। दिल मजाक बहुत हो गया, घर वापस आ जाओ बस। ये लोग मुझे मार रहे हैं। बिशम आ, बिशम आ, मुखा मत मारो। मारो। यकीन आया आपको? सुन लिया आपने? अब मैं एक बार और कह रहा हूँ, कल शाम तक अगर 50 लाख रुपए लेकर आप यहाँ नहीं आई तो हम आपके पति को शूट कर देंगे। वेरी फनी। शूटिंग कहाँ है, कितने बजे है, मुझे फोन करके बता देना, लेकिन रात को फोन नहीं करना। गुड नाइट। अरे यार कमाल की बीवी है तुम्हारी, अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन आएगा कैसे? जब केकू उसे बताएगा। हेलो कोकी जी। कौन बोल रहे बाजी? इतनी रात क्यों फोन किया? दरअसल मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मेरा मेरा किडनैप हो गया है। क्या? 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 ये क्या कोकी? तुम आधी रात को टेलीफोन के साथ खेल रही? चुप केशव, दिलरुबा जी को किसी ने किडनैप किया है। हाँ तो पता है मुझे। क्या? नहीं नहीं, मतलब वो मजाक कर रहा होगा। नहीं नहीं, वो बेचारे रो रहे हैं फोन पर, देखो। अच्छा चुप। हेलो हेलो दिलरुबा जी, आप सच कह रहे हैं? आप फौरन जाइए डॉल के पास और उसे कहिए कि कल शाम तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, वरना 50 लाख। 50 लाख? लाओ फोन लाओ। ए दिलरुबा, क्यों हमारे साथ मजाक कर रहा है? चल सो जा सो जा। केशु केशु, ये मजाक नहीं है। हाँ। मुझे लगता है वाकई उसको किसी ने किडनैप किया है। अरे क्या मुसीबत किडनैप करके लाया हूँ मैं, किसी को इसकी परवाह ही नहीं है, ऊपर से खाए जा रहा है वो अलग। चिरकुट, इसको वापस भेज दे क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे कल शाम तक यहाँ रहने दो। क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार बिना बनाए खाने का बड़ा मजा आ रहा है। दिल का बच्चा पहले मेरे साथ मजाक करता है और फिर इतनी रात को दे। अरे चक्रवर्ती दादा, आप प्रेमा जी गजब हो गया। क्या हो गया? गजब हो गया प्रेमा जी। क्या हो गया? अरे वो काला कौवा नाम का गुंडा है ना, उसने दिलरुबा जी को किडनैप कर लिया। चक्रवर्ती दादा, दिल ने आपको भी उल्लू बनाया। मुझे उल्लू नहीं बनाया, मेरे सेट पर से उनको किडनैप करके ले गया। क्या? दिल किडनैप हो गया और आप मुझे अब बता रहे इतनी रात को? पुलिस ने अभी मुझे छोड़ा, मैं क्या करूं? पुलिस ने आपको? हाँ? क्यों? क्योंकि हमारे सेट पर से किडनैप हो गए तो पुलिस को लगा मेरा हाथ है उसमें। अब बताइए मेरा हाथ हो सकता है? चक्रवर्ती दादा एक बार बताइए, आप क्यों रो रहे हैं? रोना तो मुझे चाहिए ना। हाँ। दिल इडियट किडनैप हो गया। अरे कैसा बेशरम आदमी है ये, सुबह के 8 बज गए और अभी तक सोया हुआ है। इनके लाइफ में कोई सिस्टम। ए चिरकुट, ये अपने दो कहाँ चले गए? चले गए, कल का पर डे नहीं दिया ना होटल वाले ने, एक दिन में 350 का बिल बनाया, मेरे को मारा है। अरे यार ऊपर से परेशानी, इसकी बीवी पैसे लेकर आएगी कि नहीं? ए बॉस, एक काम करो ना, फिर से ट्राई मारो। क्या? अरे वो प्रेमा उसकी बीवी को फोन करो ना। तुम कहो, तुम कहो। प्रेमा जी रोइए मत, मैं हूँ आपके साथ, मैं। लेकिन मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। मेरा टेलीफोन कॉल्स कौन अटेंड करेगा? मैं करूंगा प्रेमा जी। मेरे कपड़े कौन धोएगा? अरे वो भी मैं। नहीं, कपड़े हम धोबी को देंगे। हाँ धोबी को देंगे। ओके। हेलो, मैं काला कौवा बोल रहा हूँ। काला कौवा? कौन से पेड़ से? काला कौवा। हेलो मिस्टर ब्लैक क्रो। मैडम,
फिर से एक बार सोच लीजिए। मैंने सोच लिया मिस्टर ब्लैकरो, लेकिन आपकी डिमांड्स एग्जैक्टली क्या हैं मैं भूल गई। मैडम कितने बार बताने का, 50 लाख रुपए और वो भी आज शाम तक। 50 लाख याद आया। 50 लाख बार्गेनिंग कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए। ओके, बार्गेनिंग कैसे करते हैं? मुझे दीजिए। ओके। देखो काला कौवा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। 50 लाख उस आदमी की वैल्यू नहीं है। कहिए मत, कहिए मत। 50 लाख में तो ऐसे 50,000 नैन मिल जाएंगे, देने का भाव बोलो। अच्छा बोलो तुम लोग कितना दे सकते हो? हम तो 50,000 देंगे, और वो भी रिक्शा का भाड़ा तुम्हारा रहेगा। रिक्शा का भाड़ा मैं दूं? ए बॉस, अपन तो उसको टैक्सी में लाए थे। सुनो, 20 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा मैं। पट गया प्रेमा जी, पट गया। सिर्फ 20 लाख रुपए में पट गया। 20 लाख रुपए? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? आप फिक्र मत कीजिए प्रेमा जी, मैं हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। कितने अच्छे हैं किशोर जी। प्रेमा जी, इस वक्त आपके पास कितने पैसे हैं? बाकी के मैं जुटाता हूँ। 5,000। अमित दिलबुरा अंकल को क्या हो गया? कुछ नहीं, उन्हें गुंडे उठा कर ले गए। अरे रे रे, तो फिर वो बीमार पड़ गए होंगे ना? कौन, दिलरुबा अंकल? नहीं नहीं, गुंडे। केशु, क्या हुआ, तुम क्यों इतने थके हुए लग रहे हो? क्या करूं कोकी, मेरा बैड लक ही खराब है। मेरा लक ही खराब है। क्यों, क्या हुआ? कोकी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? कुछ पैसे क्यों? नहीं, वो प्रेमा जी ने थोड़े पैसे उधार मांगे हैं। थोड़े यानी कितने? 20 लाख रुपए। 20 लाख थोड़े हैं? क्या करें, दिलरुबा जी को गुंडों से जो छुड़वाना है। तो जिम्मेदारी तुमने उठाई है? अब वो हमारे पड़ोसी है, हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? अच्छा, फर्ज निभाओ, मगर फर्ज निभाने के बाद तुम उनके पड़ोसी नहीं रहोगे। मतलब? मतलब ये है कि 20 लाख जुटाने के लिए तुम्हें ये फ्लैट बेचना पड़ेगा। हेलो। नमस्ते बहन जी। बहन जी, कौन बोल रहे हैं? कितने बार बताऊं, मैं काला कौवा बोल रहा हूँ। काला कौवा? हाँ, मुझे दो। तुमने कौओं के साथ भी दोस्ती बना ली? बोलो काला कौवा, कौन बोल रहा है? मेरी भारी आवाज को भी नहीं पहचाना? अरे मैं केशव कुलकर्णी बात कर रहा हूँ। सॉरी, आवाज नहीं पहचानी आपकी, सॉरी। नहीं, प्रेमा जी ने आपका नंबर दिया था, इसलिए मैंने फोन किया। मैंने उसको कहा था। बोलो बोलो बोलो। सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किडनैप को मार डालूं या 20 लाख रुपए लेके आ रहा है शाम को? देखो काला कौवा, मेरे पास 20 लाख रुपया नहीं है, कुछ कम होता है तो बोलो। 1 पैसा कम नहीं होगा। हाँ तो फिर एक काम करो, थोड़े दिन रुक जाओ। कितने दिन? 10-15 साल। 15 साल के अंदर यह आदमी बेच के खा जाएगा हमें। तो एक काम करो काला कौवा। हाँ बोलो। कहीं से एक बड़ा पत्थर लेकर आओ। हाँ हाँ। उस पत्थर को रस्सी लगाओ। हाँ अच्छा ठीक है। उस रस्सी को दिलरुबा के गले पर बांधो और उसे पानी में फेंक दो। दिलरुबा जी को पानी में फेंकने के लिए कह रहे हो? अरे उसे पानी में नहीं फेंकवाए तो मुझे डूबना पड़ेगा। हेलो। सुनिए, फोन मत रखना प्लीज। हाँ बोलो। मैं क्या कह रहा था कि 5 लाख कम कर देते ना, 20 नहीं 15 लाख सही। देखो 15 लाख भी नहीं है, वो भी ज्यादा है। अरे नहीं, आपको लग रहा है ज्यादा है करके। देखिए आजकल की महंगाई कितनी हो गई है, ये ज्यादा नहीं हुआ ये? काला कौवा, वो भी हमको नहीं परवड़ता। चलो 10 लाख करते हैं। 10 लाख? नहीं नहीं, 10 लाख भी नहीं परवड़ेगा। और यहाँ फोन मत करना। नहीं नहीं, सुनो प्लीज, फोन मत रखना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ आ जाइए ना, हम लोग टेबल पे बैठ के 1-2-3 कर डालते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ है तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा अड्डा कहाँ है? ऐसा करिए, नेशनल पार्क आ जाइए और किसी को भी पूछ लीजिए काला कौवा कहाँ मिलेगा, वो बता देगा। हाँ आना जरूर। हाँ मेरे दोस्त, एक बात बता। बोलो बोलो। बंदूक की गोली पेट में जाने से बहुत दर्द होता है क्या? मुझे अब तक तो इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पिताजी पेट में गोली जाने के बाद भी जिंदा रहे थे। अच्छा, वो कैसे? वो गोली निकल गए थे ना। अरे गोली निकलनी हो तो मैं भी निकल सकता हूँ, एक क्या 10-10 निकल सकता हूँ, या तो गोली पेट में घुसने का सवाल है। क्या बात क्या है? रुक ले, आज शाम को मैं एक खतरनाक गुंडे को मिलने जाने वाला हूँ, उसका नाम है काला कौवा। मिले किरो। किस लिए? अभी उस गुंडे ने वो दिलरुबा को किडनैप कर लिया है। नहीं, वो तो बरोबर है, लेकिन वो प्रेमा जी ने कहा तो उसको छुड़ाना पड़ेगा ना, मेरा फर्ज जो बनता है। ये भी है। तो क्या तुम अकेले जाओगे? तुम चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच कोकी, थैंक यू। बिलेक किरो, तुम कुछ भी कर लो, मैं आ रहा हूं। गोखले, अड्डा यहीं पे कहा था ना? हाँ केशव, तुम आगे जाओ,
मैं यही खड़ा रहता हूँ। मैं जाऊँ? लेकिन हम लोगों ने तो डिसाइड किया था हम दोनों साथ में जाएंगे। हाँ, लेकिन अब स्टोरी जरा चेंज हो गई। यार तो स्टोरी बहुत चेंज करता है। ओके, मैं जाता हूँ। लेकिन सुन गोखले, अगर मुझे कुछ हो गया तो कोकी को कहना मेरी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है ना वो कबोर्ड के ऊपर के खाने में। ओके, मैं जाता हूँ। तू ऐसे जाएगा तो? ऐसे जाएगा तो वो तुझे गोली से उड़ा देगा। बेरिंग। तो ऐसा बोलना, ऐसा बोलना। मैं आ गया हूँ काले कव्वे। देखो जी, आप तो वाकई आ गए, आप कितने बहादुर हैं। सॉरी, मैं आपका इंट्रो करा दूं। ये है कोकी जी के हस्बैंड केकू जी, ये है इस एरिया के मशहूर बदमाश काले कव्वे काका। हेलो कव्वे। बोलो केकू, माल लाए हो? माल? अरे मैं तो रुमाल भी नहीं लाया तुम्हारा पसीना पोंछने के लिए। ठीक है ठीक है, धंधे की बात करो। तुम करो। मैंने कह दिया फाइनल ऑफर 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया? अरे ये डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे काहे का डिस्काउंट, ये 10 लाख इसका कौन देगा, इसमें रखा ही क्या है। अरे खोखला है खोखला। देखा? ठीक है फिर तुम भाव बोलो। ऑलराइट, 250 है। 250 के? अरे 500 रुपए का तो इसका खाने का बिल हो गया। 50-60 रुपए मेरे फोन के घुस गए। टैक्सी से लाया मैं इसे। चाय कॉफी में तो कितना पिया? लस्सी मांग रहा ऊपर से। ऑलराइट, लेट मी हैंडल दिस। फाइनल 1000 रुपया दूंगा, वो भी चेक लेना पड़ेगा। बोलो है मंजूर, वरना गोली मार दो। आप यहाँ मुझे छुड़वाने आए हो कि मुझे बनवाने आए हो? शराब जानते हो, तुम्हारी वजह से प्रेमा जी कितनी अपसेट है। अच्छा सुनो सुनो, मैं एक फाइनल ऑफर देता हूँ। बोलो। हाँ, 5000 देना, वरना ये बॉस इधर है। इधर देखो जी, ये गोली, इसमें गोली भरी हुई है, असली पिस्तौल मुझे मालूम है। ऑलराइट, 10 मिनट के बाद आता हूँ। सुनो, 10 मिनट में जरूर वापस आना, वरना बाहरी गोली की आवाज सुन लेना। ओके। अरे अरे केकू जी, इतने शाने क्यों बन रहे हो यार? अगर मैं मर गया तो फिर मेरा क्या होगा? कोकले, कोकले मेरे से ये क्या हो गया यार? मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अरे यार वो तो 5000 मांग रहे हैं, मैं सब सुन लिया है। लेकिन अब 10 मिनट में 5000 कहाँ से लाएंगे? केशव, तू एक काम कर, ये बैग ले जा, उसे दे दे और कह दे अंदर 5000 है। लेकिन इसमें है? तू सिर्फ बोल। चलो के जाता हूँ। वापस ऐसे ही जाएगा तो? ओ कौवा, ये ले, गिन के ले, पूरे 5000 है। ओए, तुम हो कौन? मैं सफेद बगुला। बगुला जी आप? बगुला? हाँ, सरकार ने मुझे पकड़ने के लिए 20 लाख का इनाम रखा है। 20 लाख? अपने से ज्यादा यार। तुम्हारा सीनियर है, सलाम कर। हिलना नहीं, अंदर बम है, हिलने से फटने वाला बम। चलो चलो चलो, हिलना मत। चलो काला कौवा, बाय। दिलरुबा जी, आपका 50% तो ले लो। नहीं नहीं, तुम पूरा रखो। बच गए। गोखले गोखले यार, तेरे दिमाग में ये बॉम्ब की स्कीम कहां से आई? मैं तो डर गया था, कहीं उसमें असली बॉम्ब तो नहीं था। अरे यार, असली बॉम्ब मेरे पास कहां से आएगा, मैंने तो अंदर नारियल रखा था।